दोस्तों एक काफी दिनों से विवाद चल रहा था तब्बू राजस्थानी और गम्मू राजस्थानी के बीच में। आपको पता होगा मकान को जो सैलरी की किस्तों को लेकर विवाद चल रहा था वो आज विवाद खत्म हो गया, क्योंकि अब दोनों के सैलरी में से एक रुपया भी नहीं कटेगा। तो आपको मालूम होगा कि भाई मैं तब्बू राजस्थानी ने तन मन धन से मेहनत करके बच्चों के लिए एक बंगला बनाया था कि बच्चे अंदर रहेंगे, लेकिन साल भर जब अंदर रहे बाद में मेरा भरत था कि भाई बच्चों के लिए घर बनाऊं। मैंने घर बना दिया लेकिन वो अंदर नहीं रहे, घर छोड़ के चले गए। आप सभी ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। जब वो छोड़ के चले गए तो मैंने भी 4-6 महीने तो भाई घर की देख रेख की, और घर भी बहुत बड़ा था तो इतना बड़ा घर अकेला संभाल नहीं सकता हूँ, ना तो साफ सफाई कर सकता हूँ ना उस घर की देख रेख कर सकता हूँ। तब मैंने कई बार गम्मू राजस्थानी को बोला भाई अपना घर संभालो आओ, लेकिन नहीं आए। और दोनों की किस्तें कट रही थी, बाद में उसने अपना जो सैलरी अकाउंट है वो परिवर्तन करवाया, किस्तें बंद करवाई। इसके बाद कई FIRें हुई, कई विभागीय कार्रवाइयाँ हुई और बैंक के नोटिस भी आए, सब कुछ हुआ। लेकिन जब मुझे लगा आत्मा के अंदर कि भाई मैं अकेला भाग दौड़ कर रहा हूँ, मेरे को कहाँ चाहिए इतना बड़ा घर, अपन छोटा प्लॉट लेके एक दो कमरे बना के बैठ जाएंगे, तब मैंने डिसीजन लिया कि भाई वो कह रही मेरे को नहीं चाहिए तो मुझे कहाँ चाहिए। इसलिए मैंने इस घर को बेचने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी पैसों से दूसरा प्लॉट और दूसरा मकान अपन बना सकते हैं। छोटा मकान बनेंगे, छोटा प्लॉट लेंगे और दोनों की किस्तें भी बंद हो जाएगी, ताकि ये रोज रोज चिल्लाना बंद कर देंगे। तो दोनों के बीच जो किस्तों को लेकर विवाद चल रहा था, जो मकान का विवाद था, वो द एंड एक लड़ाई खत्म हो गई है। अब न तो उसकी किस्त कटेगी न तब्बू राजस्थानी किस्त कटेगी, और अपन छोटा मकान लेके प्लॉट लेके छोटा मकान बना देंगे। तो गाइस वैसे आपने मेरा बंगला देखा होगा, आखिर मुझे ये मजबूरी में डिसीजन लेना पड़ा और मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से मकान बनाया, बेचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। तो अब दोनों की किस्तें नहीं कटेगी। तो दोस्तों आप पर काफ़ी टाइम से आज वापस सोशल मीडिया पर आए हैं, और मैंने बैठा बैठे सोचा कि आप सभी दोस्तों को बता दूँ, जो एक हमारी बड़ा मुद्दा था, बड़ी लड़ाई चल रही थी, जो मकान को लेकर विवाद चल रहा था, वो विवाद आज खत्म हो गया है। अब पीछे छोटे मोटे विवाद बसे हैं, मुझे संभालना है कि वो भी विवाद जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि तब्बू राजस्थानी का नया बंगला कौन सा है, क्योंकि वो भी तैयार है, तो नया बंगला भी बताएंगे, सारा कुछ जो आगे की प्रोसेसिंग होगी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो आपने मेरे तब्बू राजस्थानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, क्योंकि जो हमारा मुख्य मुद्दा था मकान की जो लड़ाई चल रही थी किस्तों को लेकर, वो भी क्या मैं भी नहीं भरूँ, मैं क्या नहीं मैं भी नहीं भरूँ, तो उस विवाद को आज खत्म कर दिया है, और जो पीछे छोटे मोटे विवाद बचे हैं वो भी जल्दी खत्म कर देंगे हम।